हेलो नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल रेलवे क्रैकर्स में आपका। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम 16 मार्च का ऑल शिफ्ट का पेपर हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे और मैं बताने वाला हूं कि जीके के क्वेश्चंस कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं थे तीनों के तीनों शिफ्टों को मिलाकर। और आपको मैं बताने वाला हूँ कौन कौन से क्वेश्चंस कितने कितने मार्क्स के आ रहे हैं और कौन कौन सा टॉपिक थोड़ा मॉडरेट और टफ और ईजी लग रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं बता दूं, आज आपका जो है ना एग्ज़ाम बेसिकली नहीं था, लेकिन आपको कल का जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए मैं इतने अच्छे टॉपिक्स में क्वेश्चंस लेके आया हूं। कम से कम इसमें 500 प्लस क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो कि जीके के इतने, मतलब बता रहा हूँ फ्रेंड्स, इतने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपको ले लेने चाहिए, इसको समझ लेना चाहिए। और आपको मैं बता दूँ, अगर इस वीडियो से अगर आपको फ़ायदा नहीं हुआ तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो सर कि आपका पढ़ाया हुआ एक भी क्वेश्चन नहीं आया। मैं बता सकता हूं फ्रेंड्स, ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं लेके आया हूं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एसएससी सीएचएसएल में पूछे गए क्वेश्चन है। कम से कम फ्रेंड्स, पहले के 10 वर्ष के क्वेश्चन जो है ना सीएचएसएल में पूछे गए क्वेश्चन, सभी के सभी इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं प्रोवाइड करने वाला हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, देर ना करते वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। समुद्रगुप्त के इलाहाबाद प्रशस्ति लेख का लेखक कौन था? हरिश्चंद्र हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, मैं वीडियो को बहुत फास्ट करने वाला हूं, क्योंकि देखिए इसमें सारे के सारे क्वेश्चन कम से कम 500 प्लस क्वेश्चन है, तो थोड़ा तो टाइम लगेगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली सल्तनत में अख्ता प्रणाली का प्रारंभ किस शासक ने किया था? इल्तुतमिश ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरबी भाषा में लिखी गई पुस्तक तहकीकाते हिंद किसकी कृति है? तो अल बरूनी की कृति है। नेक्स्ट, अकबर की भू राजस्व व्यवस्था के प्रवर्तक कौन थे? तो टोडर मल हो जाएंगे। जहांगीर के शासनकाल में अशस्त बेगम एतमादुद्दौला तथा आसफ खां किस गुट के प्रमुख सदस्य थे? नूरजहां के गुट के। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्दिक हिंदू मनसबदार किस मुगल सम्राट के शासनकाल में थे? तो औरंगजेब के शासनकाल में थे। महात्मा बुद्ध ने किस शासक के राज्यकाल में निर्वाण प्राप्त किया है? तो फ्रेंड्स, आजाद शत्रु के शासनकाल में निर्वाण प्राप्त किया है। भारत में प्रचलित सबसे पहले सिक्के किस प्रकार के थे? फ्रेंड्स, नत शलाका के प्रकार के थे। इतिहास प्रसिद्ध सिकंदर और दारा के युद्ध में सिकंदर और दारा कहाँ के राजा थे? क्रमशः यूनान व ईरान के। पानीपत की तीसरी लड़ाई के में मराठों का सेनापति कौन था? तो ये सदाशिव राय भाऊ। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा प्रथम सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के टक्का और जीतल जारी किए थे? फ्रेंड्स, तो इल्तुतमिश ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ लेते हैं, हल्दीघाटी का युद्ध कब हुआ था? फ्रेंड्स, 1576 ईस्वी में हुआ था। साइमन कमीशन का वह कौन सा सदस्य था जो बाद में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बना? फ्रेंड्स, क्लीमेंट एटली। नेक्स्ट, किस राजवंश के दौरान महाबलीपुरम के मंदिर स्थापित हुए हैं? तो आंसर हो जाए फ्रेंड्स, पल्लव राजवंश के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीघ निकाय किस पिटक का खंड है? फ्रेंड्स, तो सुत्त पिटक का खंड है। नेक्स्ट, अशोक काल में आहूत बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन था? मोगलीपुत्र तिस्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, वनमाली एवं कालीबंगा में सैंधव संस्कृति की किन दो अवस्थाओं के अवशेष मिले हैं? आंसर है फ्रेंड्स, हड़प्पा पूर्व एवं हड़प्पाकालीन संस्कृति के। नेक्स्ट क्वेश्चन, यवनिका किसके लिए प्रयोग किए जाने वाला यूनानी शब्द है? तो फ्रेंड्स, संस्कृत के नाटकों में पटाक्षेप के लिए जो यूज़ करने वाला जो यूनानी शब्द है। समुद्रगुप्त के इलाहाबाद प्रशस्ति लेख का लेखक कौन था? तो हरिश्चंद्र हो जाएगा। पाटलिपुत्र का पतन एवं कन्नौज का उत्थान गुप्तकाल के किस चरण में हुआ था? फ्रेंड्स, तो अंतिम चरण में हुआ था। इतिहास में तृतीय हिंद उपनाम से कौन प्रसिद्ध हुए हैं? फ्रेंड्स, अमीर खुसरो। कुतुबुद्दीन ऐबक का लोकप्रिय नाम क्या था? तो लाख बख्श हो जाएगा करेक्ट आंसर आपका। प्राचीन यवदीप का आधुनिक नाम क्या है? तो जावा हो जाएगा करेक्ट आंसर आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दक्षिण के आलावार तथा न्यूनार क्रमशः किस देवता के उपासक थे? तो फ्रेंड, विष्णु के तथा शिव के क्रमशः। सल्तनत काल में बड़े पैमाने पर नहरों का निर्माण किसने करवाया था? फ्रेंड, तो देखिए याद रहे, सुल्तान फिरोज तुगलक। औरंगजेब ने शिवाजी को कैद करके किस शहर में रखा है? तो आगरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में किन दो तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है? फ्रेंड, तो ऋषभ देव और अष्टनेमी का। नेक्स्ट, भैरव किस संप्रदाय के प्रमुख आराध्य हैं? फ्रेंड, तो आंसर है फ्रेंड्स, कपालिक संप्रदाय के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, संगमकालीन दक्षिण भारत में भगवान कृष्ण की तुलना किस देवता से की गई है? तो मेयो देवता से। किस स्मृति से यह पता चलता है कि गुप्तकालीन न्याय व्यवस्था में न्यायकालीन के चार वर्ग थे? नारद स्मृति से। कल्पसूत्र के रचनाकार कौन थे? तो भद्रबाहु। दिल्ली सल्तनत का सुल्तान किससे बनने से पूर्व इल्तुतमिश किस रूप में कार्यरत थे? तो बदायूं का प्रशासक थे। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के लिए सहायक संधि का अनुसरण किस गवर्नर जनरल ने किया था? तो लॉर्ड वेलेस्ली के।
ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, अमीर खुसरो कृष्णा उस खजैन उल फतुह की शासक के संबंध में थे जानकारी देती है, फ्रेंड्स अलाउद्दीन खिलजी के संबंध में जानकारी देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवधान कल्पलता ग्रंथ के रचनाकार कौन है, फ्रेंड तो क्षेमेंद्र हो जाएंगे। प्राचीनतम तमिल व्याकरण तोलकापियम किस संगम की रचित पुस्तक है, तो द्वितीय संगम की। गुप्तवन के प्रथम और अंतिम शासक क्रमशः कौन थे, तो श्रीगुप्त और विष्णुगुप्त। नेक्स्ट, महरौली लौह स्तंभ कहाँ से थे, फ्रेंड तो दिल्ली में। हर्षवर्धन किस राजवंश का अंतिम शासक था, तो फ्रेंड पुष्प भूति वंश का। सिकंदर की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी, फ्रेंड तो बेबीलोन जगह पे। प्रवर्सन ने चार अश्वमेघ यज्ञ किए थे, वह किस राजवंश का था, तो फ्रेंड्स वाकटक वंश का। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख कौन था, तो फ्रेंड्स मीर बख्शी हो जाएगा। नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद उल्लिखित है, फ्रेंड्स कौन से, तो कठोपनिषद में। ऋग्वैदिक काल में शासन का प्रधान राजा कौन होता है, होता था, तो जबकि उसकी सहायता करने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण पदाधिकारी होता था, पुरोहित। तो आंसर हो जाएगा सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम ने पहली बार कब आक्रमण किया था, फ्रेंड्स 711 ईस्वी में। हुमायूं नामा किसकी कृति था, फ्रेंड्स गुलबदन बेगम की। दिल सल्तनत की आधिकारिक भाषा कौन सी है, तो फारसी। पंच सिद्धांतिका, बृहत्तर संहिता और बृहत जातक किसकी रचना है, फ्रेंड्स 12 मिहिर की। शिक्षिप्रा नदी के किनारे बसा कौन सा नगर चंद्रगुप्त द्वितीय की पश्चिमी राजधानी थी, तो फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा उज्जैन। सातवाहक वंश में संरक्षिका के रूप में किन दो महिलाओं ने शासन किया, तो फ्रेंड्स नागनिका और गौतमी ने। बौद्ध ग्रंथों में मिनेंडर को किस नाग से अभिहित किया गया था, तो आंसर हो जाए फ्रेंड्स मिलिंद। कला की किस शैली को ग्रीक बौद्ध शैली की संज्ञा दी जाती है, फ्रेंड्स गंधार शैली को। नेक्स्ट, देवी चंद्रगुप्तम की रचना किसने की, तो फ्रेंड्स विशाख दत्त ने। अर्ध नारीश्वर की कल्पना हिंदू धर्म के किस मत में है, तो फ्रेंड्स शैव मत में है। पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध मोहम्मद गौरी को कथित रूप से आमंत्रित करने व सहायता देने के लिए किस शासक को देशद्रोही की संज्ञा दी जाती है, तो जयचंद कन्नौज का शासक। 1206 और 1290 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर किस वंश का शासन था, तथाकथित गुलाम वंश का। अकबर का राज्य अभिषेक 14 वर्ष की आयु में हुआ था, यह कहाँ संपन्न हुआ, तो फ्रेंड्स कालानौर में। जहांगीर की मृत्यु के पश्चात नूरजहां ने किसे मुगल सम्राट घोषित किया, तो फ्रेंड्स शहर यार को। हिंदुओं के दो प्राचीनतम महाकाव्य हैं रामायण महाभारत। भारत आने वाला पहला जो वह पहला चीनी यात्री कौन है, तो फाहियान। बौद्ध ग्रंथों पर भाष्य प्रस्तुत करने के लिए चौथी बौद्ध सभा किसके शासनकाल में हुई थी, फ्रेंड्स कनिष्क के शासनकाल में। 1175 ईस्वी से 1206 ईस्वी तक भारत पर किस विदेशी शासक ने लगातार आक्रमण किए, तो फ्रेंड्स शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने। प्रसिद्ध इतिहास लेखक अलबरूनी का वास्तविक नाम क्या था, बाबू रेहान मोहम्मद। दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था, फ्रेंड इब्राहिम लोदी। अनंत वर्मन द्वारा निर्मित लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है, फ्रेंड तो भुवनेश्वर उड़ीसा में। मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक किसे माना जाता है, तो बाजीराव प्रथम को। जैन मताबलंबियों ने किस आम बोलचाल की भाषा को अपनाया, फ्रेंड प्राकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, सर्वप्रथम किस शासक ने के द्वारा चलाए गए सिक्कों पर बुद्ध की मूर्ति के बने होने का संकेत मिलते हैं, फ्रेंड कनिष्क। महाजनपदों में से किस महाजनपद की राजधानी का नाम गिरिव्रज था, तो मगध का। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में गुप्तचरों को क्या कहा गया है, फ्रेंड तो गृढ़ पुरुष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गूढ़ पुरुष, ठीक है। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक कहाँ का वायसराय था, फ्रेंड उज्जैन का। इस्लामी आचार विचार के कानून को क्या कहा जाता है, फ्रेंड शरीयत। नेक्स्ट, पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध मोहम्मद गौरी की सहायता करने के कारण किस शासक को देशद्रोही की संज्ञा दी जाती है, फ्रेंड कन्नौज का जयचंद को। नेक्स्ट, कोणार्क उड़ीसा के प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण किस शासक के संरक्षण में हुआ है, फ्रेंड नरसिंहम प्रथम ने। बाबर ने अपनी आत्मकथा सुजुकी बाबरी किस भाषा में लिखी थी, फ्रेंड तुर्की में। मुगल काल में जासूस और गुप्त सूचनाओं के संवाहक को क्या कहा जाता था, तो फ्रेंड्स हरकारा। शिवाजी को स्वतंत्रता की भाव की प्रेरणा किसने प्रदान की थी, फ्रेंड माता जीजाबाई और गुरु रामदास ने। वैशाली किस महाजनपद की राजधानी थी, फ्रेंड वज्जी की। स्त्रियों का को अविवाहित अवस्था में पिता विवाह के बाद पति और वृद्धावस्था में पुत्र के संरक्षण में रहने का निर्देश किस स्मृति में प्रदान किया गया है, मनुस्मृति में। पाटलिपुत्र में घनानंद के से मगध का घन सिंहासन छीनने से पहले चंद्रगुप्त किस प्रदेशों को जीत चुका था, फ्रेंड सिंधु और पंजाब को। कर्ण वंश की स्थापना वासुदेव ने की थी, और इस वंश का अंतिम शासक कौन था, फ्रेंड सुशर्मा। सुरुद्र दामन के शासनकाल में कौन सा स्थल शिक्षा का प्रमुख केंद्र था, फ्रेंड उज्जैनी। हिंद दिल्ली सुल्तनत की सीमा का सर्वाधिक विस्तार किस सुल्तान के समय में हुआ था, फ्रेंड मोहम्मद बिन तुगलक। स्वतंत्र राजपूत राज्य मेवाड़ का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था, फ्रेंड आंसर हो फ्रेंड राणा कुंभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालानौर में राज्य अभिषेक के समय अकबर की क्या आयु थी, फ्रेंड 14 वर्ष।
मराठा राज्य के स्वतंत्र शासक के रूप में 1674 ईस्वी में शिवाजी का विधिवत राज्याभिषेक हुआ, कहाँ हुआ था फ्रेंड्स, रायगढ़ का दुर्ग में। किस पेशवा के समय मराठा संघ की समस्त शक्ति पेशवा के हाथों में आ गई थी फ्रेंड्स, बाजीराव प्रथम के। भारत में एक ब्रिटिश व्यापारिक प्रतिष्ठानों की स्थापना हेतु आज्ञा प्राप्त करने के लिए आने वाला ब्रिटिश सम्राट जेम्स का पहला प्रतिनिधि कौन था, तो विलियम हॉकिंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त के रूप में इस मरारी बंदोबस्त का सूत्रपात किस गवर्नर जनरल ने किया था, फ्रेंड लॉर्ड कार्नवालिस ने। 1931 ईस्वी में महात्मा गांधी ने किस वायसराय के साथ बातचीत कर समझौता किया था, फ्रेंड लॉर्ड इरविन के साथ। मेगास्थनीज की इंडिका में से किस शासक उसके दरबार शासन प्रबंध तथा उस समय की सामाजिक व्यवस्थाओं के समय में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है, फ्रेंड चंद्रगुप्त मौर्य। पूर्व मुगल काल में भारत की यात्रा करने वाला इब्न बतूता किस देश का निवासी था, फ्रेंड मोरक्को का। मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल किसे माना जाता है, प्रथम विशाल स्थान नगर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्पसूत्र नामक महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना किसने की थी, भद्रबाहू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल और कुलहीन कहा गया है, फ्रेंड्स मुद्रा राक्षस में। अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में स्वतंत्रता प्रथम 1837 ईस्वी में किस विद्वान ने सफलता प्राप्त की, तो जेम्स प्रिंसेप ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1175 से 1206 ईस्वी तक भारत पर किस विदेशी शासक ने लगातार आक्रमण किया था, फ्रेंड सहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारीख फिरोजशाही की रचना किसने की थी, जियाउद्दीन बरनी ने। अकबर ने इयादत खाना की स्थापना कहाँ की थी, फ्रेंड फतेहपुर सीकरी ने। भारतीय भाषा शास्त्र का सर्वाधिक प्राचीन कौन सा है, तो अष्टाध्यायी। प्रसिद्ध ऐतिहासिक पुस्तक माल विकासीन सिग्न मित्र के रचनाकार कौन थे, फ्रेंड कालिदास। सीधेगढ़ का दशावतार मंदिर किस काल की मंदिर कला का सर्वोत्तम उदाहरण माना जाता है, फ्रेंड तो गुप्त कालीन मंदिर का कला का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवत मत की उत्कृष्ट और प्राचीनतम व्याख्या है, फ्रेंड भगवदगीता में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली में कब अंतिम हिंदू नवाब कौन था, फ्रेंड तो हेमू। दिल्ली का सीमा का सर्वाधिक विस्तार किस सुल्तान के समय में हुआ था, फ्रेंड मोहम्मद बिन तुगलक। ब्रिटिश सम्राट जेम्स ने अपने प्रतिनिधि के रूप में विलियम हॉकिंस को किस प्रयोजन से भारत भेजा था, फ्रेंड भारत में ब्रिटिश व्यापारिक प्रतिष्ठानों की स्थापना या तो आज्ञा प्राप्त करने के लिए। प्रसेनजीत किस महाजनपद का एक विख्यात प्रशासक शासक था, तो कौशल महाजनपद का। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध शासक हर्षवर्धन किस राजवंश से संबंधित था, फ्रेंड थानेश्वर के पुष्यभूति राजवंश से। तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत का आक्रमण किया था, फ्रेंड तुगलक वंशी नसीरुद्दीन महमूद शाह के। आर्यों की भाषा संस्कृत थी एवं आर्यों के समय समाज में कौन कौन से वर्ण थे, फ्रेंड ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। मौर्य सम्राट अशोक का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था, फ्रेंड पाटलिपुत्र में। किस प्राचीन भारतीय शासक को 100 योद्धों का विजेता माना जाता है, फ्रेंड समुद्रगुप्त को। सोलंकी वंश के किस शासक के शासनकाल में महमूद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था, फ्रेंड भीम प्रथम के शासनकाल में। नूरजहाँ की स्थापत्य कला की महत्वपूर्ण कृतियाँ थी, फ्रेंड किसमें, जहांगीर का मकबरा, एतमादौला का मकबरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंदवंशीय राजा घनानंद ने एक प्रतिभाशाली ब्राह्मण का अपमान किया था जो कालांतर में उसके विनाश का कारण बना, उसका नाम क्या था, फ्रेंड विष्णुगुप्त चाणक्य। बौद्ध शब्दावली में धर्म चक्र प्रवर्तन से क्या निर्देशित होता है, फ्रेंड बुद्ध का प्रथम उपदेश। भारतीय इतिहास में दिल्ली सल्तनत पर 1206 से 1290 ईस्वी तक शासन करने वाले शासकों को वंश को क्या कहा जाता है, दास वंश, गुलाम वंश। एक मुकुटधारी राजा को सदा धर्म की दृष्टि से में रहकर शासन करना चाहिए, यह कथन किसका है, कृष्णदेव राज्य राय का। 549 जातकों में मुख्य रूप से किसका वर्णन है, फ्रेंड तो गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं का। सैंधव सभ्यता के किस के एक स्थल को स्तूप टीला की संज्ञा दी गई है, क्योंकि उस स्थल पर एक कुषाणकालीन सूप प्राप्त हुआ है, यह स्थल क्या है, तो मोहनजोदड़ो। ऋग्वेद में सर्वाधिक सूक्त किन दो देवों का संबंधित है, फ्रेंड इंद्र और अग्नि को। सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने किस मार्ग की बात कही थी, अष्टांगिक मार्ग की। स्त्रियों को अविवाहित अवस्था में पिता, विवाह के बाद पति और वृद्धावस्था के पुत्र के संरक्षण में रहने का निर्देश किस स्मृति में प्रदान किया जाता है, तो फ्रेंड मनुस्मृति में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कला की किस शैली को ग्रीक बौद्ध शैली की संज्ञा दी जाती है, तो आंसर है फ्रेंड गंधार शैली को। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया फ्रेंड, देखिए फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित मध्यकालीन किस नगर को सिराज हिंद की उपाधि देने से सम्मानित गया है, तो जौनपुर को। अकबर ने इबादत खाना की स्थापना कहाँ की थी, फ्रेंड फतेहपुर सीकरी में। किस मुगल शासक का राज्याभिषेक दो बार किया गया था, फ्रेंड औरंगजेब का। मोहम्मद गजनवी ने के भारतीय आक्रमण को अलबरूनी ने किसकी संज्ञा दी थी, फ्रेंड जहाँ जिहाद का, पवित्र युद्ध की। नेक्स्ट, चीन बौद्ध यात्री ह्यूएन सांग ने बातापी की यात्रा की थी, उस समय वहाँ के शासक कौन थे, फ्रेंड तो पुलकेशिन द्वितीय। अजातशत्रु किस वंश का शासक था, फ्रेंड्स हर एक वंश का। वेदों का अपौरुषेय
क्यों कहा जाता है फ्रेंड? तो मान्यता के अनुसार इनकी रचना देवताओं द्वारा की गई है। अस्तो माँ सद्गमया कहाँ से लिया गया फ्रेंड? तो ऋग्वेद से। पूर्व मुगल काल में भारत की यात्रा करने वाला इब्न बतूता किस देश का निवासी था फ्रेंड? तो मोरक्को का। संपूर्ण वैदिक साहित्य को चार श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, जो अपनी उनकी रचना के चार चरणों में भी चरण भी माने जाते हैं। यह चार श्रेणियाँ क्या है? तो संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। भारतीय प्राचीन भारत में लिखे गए सबसे पहले महाकाव्य के लेखक कौन माने जाते हैं फ्रेंड्स? वाल्मीकि। अबू रेहान मोहम्मद किस इतिहास प्रसिद्ध लेखक का वास्तविक नाम है? तो अलबरूनी का। 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर किस वंश का शासन रहा है? तो गुलाम वंश का। नूरजहाँ ने किसको एतमाद उद्दौला की उपाधि प्रदान करवाई है? तो अपने पिता मियाँ मिर्जा गयास बैग को। मराठा राज्य के प्रथम शासक के रूप में 1674 ईस्वी में शिवाजी का विधिवत राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? रायगढ़ का दुर्ग में। ऐसे दो स्थानों का नाम बताइए जहाँ सैंधव संस्कृति की दो दो अवस्थाओं, हड़प्पा पूर्व और हड़प्पाकालीन संस्कृति के अवशेष मिले हैं? तो वन बाली और कालीबंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम फ्रेंड। भारत का आइंस्टाइन कहा जाता है किसको? तथा तुलना मार्टिन लूथर किंग से की जाती है। कौन है वो? तो वह नागार्जुन है। सल्तनतकालीन की शशिका ने खलीफा की सत्ता स्वीकारने से इनकार कर स्वयं को खलीफा घोषित किया था फ्रेंड? मुबारक शाह खिलजी ने। भारत पर तैमूर के आक्रमण के लिए समय दिल्ली की गद्दी पर कौन सत्तासीन था? तो नासिरुद्दीन महमूद तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पूर्णतः इस्लामी परंपरा के आधार पर निर्मित प्रथम मस्जिद कौन सा है? तो जमात खाना मस्जिद। अकबर के अब्दुर रहीम को खान खाना की उपाधि किस उपलब्धि में प्रदान की गई थी? गुजरात में 1584 ईस्वी में हुए विद्रोह को सफलतापूर्वक दबाने के लिए। उपलक्ष्य में किस मुगल सम्राटों ने सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव की को फांसी की सजा दी है? जहांगीर ने। धरती पर यदि कहीं स्वर्ग है तो यही है और कहीं नहीं, यह उक्ति भारत की किस ऐतिहासिक इमारत में लिखी गई थी? तो दीवाने खास दिल्ली सल्तनत स्थित लाल किले में। चेतक नामक प्रसिद्ध ऐतिहासिक घोड़ा किस राजपूत राजा का था? राणा प्रताप का। किस विदेशी राजा ने समुद्रगुप्त से अनुरोध किया था कि उसे भारत में बौद्ध विहार बनाने का अनुमति दी जाए? तो श्रीलंका के बौद्ध राजा मेघवर्धमन ने। समुद्रगुप्त ने बौद्ध गया में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी थी। राजा टोडरमल ने उच्च कोटि का भूमि प्रबंध किया था जिसके कारण किसानों, राज्य और जनता सभी को फायदा हुआ था। राजा टोडरमल ने सर्वप्रथम में सूर्योधार किसके शासक के काल में किए थे? शेरशाह के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछे? दास प्रथा संपूर्ण सल्तनत में प्राचीन प्रचलित रही है, परंतु सर्वाधिक दास किस शासक के पास थे? तो फिरोज तुगलक के पास। नृत्य करते नटराज की मूर्ति धातु घट ढालने की कला की चरम सीमा का प्रतीक है, यह किसके काल में हुआ था फ्रेंड्स? चोल वंश के कारण में हुआ था। 1565 ईस्वी में किस स्थान पर हुए युद्ध के पश्चात विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ था फ्रेंड्स? रश्मि हो गया तंगड़ी, तालीकंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन तालीकोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्रगुप्त के इलाहाबाद स्तंभ की प्रशस्ति के लेख के विषय वस्तु किसने लिखी थी? तो हरिशेन ने। अहिल्यावादी किस शासक परिवार की थी? तो फ्रेंड्स होलकर। रामचरितमानस के रचयिता संत तुलसीदास किस मुगल कालीन बादशाह के समकालीन थे? तो फ्रेंड्स अकबर के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिलिंद पन्हो पाली भाषा में लिखित प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है, इसमें इंडो ग्रीक राजा मिनांडर मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद का वर्णन है? फ्रेंड्स नागसेन। आदिशंकर जो बाद में शंकराचार्य बने, उनका जन्म कब और कहाँ हुआ था? केरल के कलाड़ी ग्राम में हुआ था। संगम साहित्य का मुख्य विषय थीम क्या था? तो युद्ध और प्रेम। दिल्ली का गद्दी पर जब नसरुद्दीन तुगलक सत्तासीन था तब भारत पर किसने आक्रमण किया था? फ्रेंड तैमूर लेग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय को भारत का आइंस्टाइन कहा जाता है फ्रेंड? तथा उसकी तुलना मार्टिन लूथर किंग से की जाती है? नागार्जुन। चोल राजाओं में से किस एक ने सिलोन पर विजय प्राप्त की थी? राजेंद्र ने। इब्राहिम आदिल शाह को उसकी धर्मनिरपेक्ष छवि के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा उसे क्या करते जगतगुरु कहकर। संगमकालीन सर्वाधिक प्राचीन एवं प्रचलित देवता नुर्गन था, कालांतर में इसे क्या कहा गया? तो फ्रेंड सुब्रमण्यम कहा गया। लोक काप्यम ग्रंथ का संबंध किस संगम काल से है? तो फ्रेंड द्वितीय संगम काल से है। गुप्त काल मंदिर कला के सर्वोत्कृष्ट उदाहरण के रूप में किस मंदिर का नाम लिया गया है जाता है? फ्रेंड दशावतार मंदिर देवगढ़ का। गुप्तकालीन ग्रंथ पंचतंत्र की गणना विश्व की सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ बाइबल के बाद दूसरे स्थान पर की जाती है, वह पंचतंत्र किसकी कृति है? तो फ्रेंड विष्णु शर्मा के। चोल मंदिर के प्रवेश द्वारों को क्या कहा जाता है? फ्रेंड तो गोपुरम। बलवन के ने दीवाने अर्ज की स्थापना की थी, यह कौन सा विभाग है? तो फ्रेंड सैन्य विभाग। दक्षिण में विजय प्राप्त करने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था? फ्रेंड अलाउद्दीन खिलजी। लोध वंश के किस शासक ने राजधानी को सर्वप्रथम दिल्ली से आगरा स्थानांतरित किया? तो सिकंदर लोधी ने। अलाउद्दीन द्वारा निर्माण कराया गया जो है ना अलाई दरवाजा किसके प्रवेश द्वार है? कुबुत
उल इस्लाम मस्जिद का। स्वतंत्रता के पश्चात हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक स्थल किस राज्य में खोजे गए थे? फ्रेंड गुजरात में। देवगढ़ का दशावतार मंदिर किस काल की जो है ना किस काल की मंदिर कला का सर्वोत्तम उदाहरण माना जाता है? फ्रेंड गुप्तकालीन मंदिर का कला का। सल्तनत काल का वह प्रथम शासक कौन था जिसने भूमि की नाप जोख कराई तथा राज्य की समस्त भूमि को खालसा भूमि के अंतर्गत कर लिया? तो आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। ऐसे प्रथम भारतीय कौन थे जिन्हें अंग्रेजों ने किसी प्रांत का गवर्नर बनाया? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। विजयनगर नरेश कृष्ण देव राय की रचना जन अमुक्त मालियत का वर्ण विषय क्या है? फ्रेंड लोक प्रशासन एवं विदेश नीति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछेगा फ्रेंड, गोलकुंडा के मुस्लिम राज्य का उदय किस प्राचीन हिंदू साम्राज्य के अवशेषों पर हुआ था? फ्रेंड्स वारंगल। सिविल सेवाओं में भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन किस वर्ष से शुरू किया गया था? फ्रेंड्स 1853 ईस्वी में। कृष्ण देव राय ने अमुक्त मल्लयद ग्रंथ की रचना किस भाषा में की थी? फ्रेंड्स तेलुगु में। मोहम्मद शाह तृतीय ने शासनकाल में बहमनी साम्राज्य की यात्रा करने वाला विदेशी यात्री कौन था? तो एथेनिसियस निकितिन। किस पल्लव शासक के शासनकाल में वेनसांग ने कांची की यात्रा की थी? नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल में। बौद्ध संगीतियों का आयोजन किस प्रयोजन से किया गया था? फ्रेंड बौद्ध की शिक्षाओं के समकलन तथा विवादों के निपटारे के लिए। त्रिपिटक के अंग कौन है? फ्रेंड तो विनय सूत और अभिधम्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमर खुसरो रचित खजैन उल फतु किस शासक के संबंध में जानकारी देता है? फ्रेंड अलाउद्दीन खिलजी के संबंध में जानकारी देता है। दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा कौन थी? फ्रेंड फारसी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किसकी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है? फिर मौर्य की प्रशासनिक व्यवस्था की। रत्नावली प्रियदर्शिका और नागानंद नामक तीन प्रसिद्ध नाटकों की रचना किसने की? हर्ष ने। भारत की प्रथम विकसित सैंधव सभ्यता के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के का एकमात्र स्रोत क्या है? उत्खननों से प्राप्त नगरावशेष। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सैनिकों को भी वेतन भू राजस्व के रूप में देने का प्रथा शुरू की थी? फिर फिरोज तुगलक ने। मध्यकरण किस नगर को सिराज हिंद की उपाधि से नवाजा गया था? फिर जौनपुर को। ईरानी राजदूत अब्दुल रजाक ने 1443 ईस्वी में किसके शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी? फ्रेंड कृष्ण देव राज के शासनकाल में। शिवाजी ने राजा का उपाधि जो है ना किसने प्रदान की थी? फ्रेंड औरंगजेब ने 1767 ईस्वी में। किस शासक ने राजकीय अभिलेखों को खुदवाने की परंपरा शुरू कर भारतीय इतिहास को व्यवस्थित रूप प्रदान करने में महत्वपूर्ण योगदान किया है? तो मौर्य सम्राट अशोक ने। मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण स्थल कौन सा है? तो विशाल स्थानानगर। मगध पर शासन करने वाला प्रथम गैर क्षत्रिय वंश कौन सा था? तो शिशुनाग वंश। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त को वृषल तथा कुलहीन कहा गया है? फ्रेंड तो मुद्रा राक्षस में। कनिष्क ने किस धर्म को राजाश्रय प्रदान किया था? फ्रेंड प्रथम बौद्ध धर्म को। पुहार के व्यापारी कोवलन की कथा का वर्णन किस तमिल के महाकाव्य में है? तो फ्रेंड शिल्पांधिकारम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हर्षवर्धन और चालुक्य शासन पुलकेशिन द्वितीय के बीच युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1634 ईस्वी में। पूर्व मुगल काल में भारत की यात्रा करने वाला इब्न बतूता किस देश से आया था? फ्रेंड्स मोरक्को से। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे नदी द्वारा जुड़े हुए हैं? फ्रेंड्स सिंधु नदी से। भारत में सबसे बड़ा हड़प्पाकालीन स्थल कौन सा था? फ्रेंड धीलावीरा गुजरात। नेक्स्ट, पुनर्जन्म के सिद्धांत का प्रथम स्पष्ट साक्ष्य किस ग्रंथ से मिलता है? फ्रेंड्स दांड्यक उपनिषद से। गौतम बुद्ध का जन्म कपिल वस्तु के समीप लुम्बिनी वन में हुआ था। इस स्थल का आधुनिक नाम क्या था? फ्रेंड्स रुमिंदेई। कल्पसूत्र नामक पुस्तक महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना किसने की थी? भद्रबाहू ने। मोहम्मद साहब के अनुसार कुरान की आयतें खुदा ने किसको दी थी? तो मूसा को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया देखिए पढ़ लेते हैं हम लोग। सिंधु सभ्यता का समूचा क्षेत्र किस आकार का था? फ्रेंड त्रिभुज के आकार का। वैशाली किस महाजनपद की राजधानी? फ्रेंड बज्जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य के काल में साम्राज्य की स्थानीय राजधानी क्या थी? फ्रेंड पाटलिपुत्र। संगम काल में ओर्रार किन्हें कहा जाता था? फ्रेंड जासूसों को। आयु रहमान मोहम्मद किस इतिहास प्रसिद्ध लेखक का वास्तविक नाम था? अलबोरिनी को। मियाँ ग्यास बेग किस मुगल साम्राज्य के पिता का नाम क्या था जिनको उनकी बेटी ने एतमाद उल उद्दौला की उपाधि दिलवाई है? फ्रेंड नूरजहां। भारत किस प्राचीनतम अभिलेखों में पहली बार संस्कृत भाषा का प्रयोग हुआ था? फ्रेंड रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए उत्तर हड़प्पा व्यवस्था के काल के चिन्ह किन नगरों से प्राप्त होते हैं? फ्रेंड रंगपुर और रोजदी में से। किन सैंधव स्थलों से यज्ञ वेदियां प्राप्त हुए हैं? फ्रेंड लोथल और एवं कालीबंगा से। ऋग्वेद में किस यज्ञ का वर्णन सर्वाधिक बार आया है? फ्रेंड सोम यज्ञ को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने 5 सन्यासियों के साथ संघ की स्थापना की? फ्रेंड सारनाथ। पैगंबर मोहम्मद साहब के कहाँ को रवाना होने के दिन में हिजरी संवत की शुरुआत की थी? फ्रेंड तो मक्का से मदीना।
भारत का प्रथम मुस्लिम सुल्तान कौन था फ्रेंड? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। संगम स्थल चुनहुदेड़ो और कोट दीजी किस नदी के तट पर स्थित फ्रेंड? सिंधु नदी के तट पर। ऋग्वेद में किस यज्ञ का वर्णन का सर्वाधिक बार आया फ्रेंड? सोम यज्ञ का। जैन धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ जो संस्कृत में लिया गया फ्रेंड कौन सा है फ्रेंड? तो कल्पसत्रु सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, कश्मीर के मारतंड मंदिर का विनाश किसने किया था फ्रेंड? सिकंदर शाह बुताशिकर ने। नेक्स्ट, 1517 तक लगभग सभी राजपूत राज्यों ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी परंतु एक ही से एकमात्र राज्य ने उसकी अधीनता नहीं मानी फ्रेंड्स, मेवाड़ ने। मुगल साम्राज्य के सम्राट के बाद सर्वोच्च न्यायाधिकारी का होता है फ्रेंड्स? काजीउल कुजात। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के मध्य कितने युद्ध हुए फ्रेंड? दो। दिल्ली सल्तनत की एकमात्र सुल्तान राजे सुल्तान की पुत्र थी वह किसके पश्चात दिल्ली की सुल्तान बनी? तो फ्रेंड्स रुकनुद्दीन के बाद। बाबर के प्रथम आक्रमण के बाद दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर कौन बैठा? इब्राहिम लोदी। तहकीके हिंद शीर्षक ग्रंथ की रचना किसने अलबरूनी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, वैदिक साहित्य में अथर्ववेद को क्या कहा जाता है? ब्रह्मदेव। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त को वर्षल तथा कुलहीन कहा गया है? फ्रेंड मुद्रा राक्षस में। किस ग्रंथ से पता चलता है कि अशोक ने कश्मीर में वितासता नदी किनारे श्रीनगर नामक नगर की स्थापना की? फ्रेंड तो राज तरंगणी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सैनिकों को भी वेतन भू राजस्व के रूप में देने की प्रथा शुरू की? फिरोज लगेंगे। तारीख बिरुदशाही की रचना किसने की थी? फ्रेंड जियाउद्दीन बरनी ने। कैप्टन हॉकिंस और सर थॉमस ने किस मुगल शासन के संबंध में विस्तृत चर्चा की थी? फ्रेंड जहांगीर के संबंध में। सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? तो पंजाब राजस्थान गुजरात उत्तर प्रदेश हरियाणा और सिंध और बलूचिस्तान। हड़प्पा सभ्यता के लोग समाज के प्रमुखता के किन चारा वर्गों में विभक्त थे? तो फ्रेंड विद्वान योद्धा व्यापारी और श्रमिक। महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? फ्रेंड 1563 BC में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्राक्षर लिपि किस काल की लिपि है? फ्रेंड सैंधव काल की। विज्ञानवाद के प्रमुख आचार्य कौन थे? फ्रेंड तो बसु बंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया फ्रेंड, चोर पांड्य एवं चेरोस के संबंध में जानकारी प्रमुखित कहाँ से प्राप्त होती है? फ्रेंड तो संगम साहित्य से। महारौली अभिलेख से किस सम्राट के विषय में जानकारी प्रमुखित कहाँ से प्राप्त होती है? फ्रेंड चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। भारत के सर्वप्रथम राजकीय राष्ट्रीय शासक के रूप में जाने जाते हैं कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। शंकराचार्य ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? फ्रेंड अद्वैत वेदना का। विक्रमांक देव चरित्र किसकी रचना है? तो लहरण की। सल्तनत काल में दीवाने अर्ज कौन सा विभाग था? तो फ्रेंड सैन्य विभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्लिम ग्रंथ हदीस का विषय क्या था क्या है? फ्रेंड मोहम्मद साहब के कथन तथ्यों तथा उनके जीवन से संबंधित कथाओं का संग्रह। जैन धर्म ग्रंथों की मुख्य भाषा क्या थी? फ्रेंड प्राकृत भाषा। बिंबिसार किस वंश के थे? तो फ्रेंड हरियक वंश के। ऋग्वेद में सबसे अधिक मंत्र किस देवता की स्तुति में लिखे गए? फ्रेंड इंद्र की स्तुति में। उत्वी फिरदौसी तथा अलबरूनी किस शासन के समकालीन विद्वान थे? तो फ्रेंड महमूद गजनवी के दरबार में। चोल वंश का प्रथम शासक कौन था? फ्रेंड करक्याल। नेक्स्ट, भवानी साम्राज्य का वह कौन सा शासक था जो दृष्टता और संतता के लिए इतिहास में जालिम नाम से जाना जाता है? फ्रेंड अलाउद्दीन हुमायूं। इतिहास प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा कहाँ से प्राप्त हुआ? फ्रेंड तो गोलकुंडा के खान से। नंद वंश का अंतिम शासक कौन सम्राट कौन था? फ्रेंड खानानंद। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज की किस यूनानी शासक ने भारत भेजा? फ्रेंड सेल्यूकस निकेटर को ने। दिल्ली सल्तनत किन किन वंशों के शासन किया? दाश वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, शैद वंश और लोधी वंश। खालसा प्रथम किस प्रारंभ किस सिख गुरु ने किया? फ्रेंड गुरु गोविंद ने। किस पेशवा की मृत्यु के पश्चात पेशवा का पद जो है ना वंशानुगत हो गया था? फ्रेंड्स बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु के पश्चात। 1943 में विदेश के किस भाग में भयंकर अकाल पड़ा जिसमें लगभग 30 लाख लोगों की मौत हो उनके मुंह में चले गए थे? बंगाल में। हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को सिंधगा बाग या मृतकों का टीला कहा जाता है? मोहरजादड़ों को। मैकियावली के प्रिंस की तुलना भारत के किस ग्रंथ से की जाती है? फ्रेंड कोटिले के अर्थशास्त्र से। अशोक के शासनकाल की अवधि थी फ्रेंड 273 से 232 ईसा पूर्व। पुष्टि मार्ग के दर्शन का प्रतिपादन किसने किया? फ्रेंड वल्लभाचार्य ने। सम्राट कनिष्क ने शक वंश संवत का प्रारंभ किया? फ्रेंड 678 ईसा पूर्व। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर थे? फ्रेंड यहाँ पर 24 हो जाएंगे करेक्ट आंसर आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी धार्मिक आर्यवंशी अपनी मूल उत्पत्ति किस राज्य से मानते हैं? मून मनु वैश्वत से। बहमनी तथा विजयनगर राज्य के मध्य किस प्रदेश को लेकर संघर्ष हुआ? रायचूर का दुआब। दिल्ली के सुल्तान एवं 40 के दल के बीच संघर्ष किस
मृत्यु के पश्चात हुआ था। तो फ्रेंड इल्तुतमिश की मृत्यु के पश्चात राजा बनने से पूर्व वह अंग का राज्यपाल था और उसे कणिक के नाम से जाना जाता था। यह कथन मगध के किस शासक से संबंधित है? फ्रेंड तो अजात शत्रु के। विशाल साणु की जुड़वा पैरों वाली विशिष्ट प्रकार के मृण मूर्तियों किस संधों स्थल में प्राप्त हुए? फ्रेंड तो कालीबंगा। भक्ति को दार्शनिक आधार प्राप्त प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य कौन थे? फ्रेंड तो रामानुज। सामान्य परिस्थितियों में स्त्री धन के उत्तराधिकारी में प्रथम अधिकार किसका होता है? फ्रेंड मूर्तियों का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। दासों की मुक्ति का विस्तृत निरूपण सर्वप्रथम मिलता है नारद स्मृति में से में मिर्जा राजा जय सिंह द्वारा 1665 ईस्वी में पुरंदर के घेरे में के समय कौन सा यात्री उपस्थित था? फ्रेंड वर्नियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। 19वीं शताब्दी में भारत सरकार की आय का सबसे प्रमुख साधन क्या था? फ्रेंड भू राजस्व। ह्वेन सांग ने किस प्रदेश में जैन धर्म की समृद्ध स्थिति में देखा गया था? फ्रेंड बंगाल का। मराठा राज्य संघ को निर्णायक पराजय देने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? फ्रेंड लॉर्ड हेस्टिंग्स। पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजो पहार, यह कथन किस संत का है? फ्रेंड कबीर का। ऋग्वेद में युद्ध के लिए प्रयुक्त शब्द कौन सा है? तो फ्रेंड गईष्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन गविष्टी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नानाघाट नासिक एवं सांची के अभिलेख किस राजा परिवार का उल्लेख करते हैं? फ्रेंड सातवाहन। कालजयी रचना जीवन चिंतामणि किस मत से संबंधित है? फ्रेंड जैन मत से संबंधित है। किस सिद्ध सिख गुरु द्वारा गुरुमुखी लिपि का प्रारंभ किया गया है? फ्रेंड तो गुरु अंगद द्वारा। वसु चरित्र के लेखक कौन है? फ्रेंड रामराज। नेक्स्ट क्वेश्चन। गुलाब के इत्र निकालने की तकनीक का आविष्कार किस मुगल सम्राट सामग्री ने किया था? फ्रेंड असमत बेगम। नेक्स्ट क्वेश्चन। मानिबंद के तृतीय युद्ध में मराठा सेना का संचालन किसने किया था? फ्रेंड सदाशिव राव भाऊ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अकबर की उदारवादी धार्मिक नीति का किस लोकप्रिय सूफी सिलसिला द्वारा प्रतिरोध करने का प्रयास किया गया? फ्रेंड तो नक्शबंदी सिलसिला द्वारा। मला विकाग्नि मित्रम कैसा ग्रंथ है? फ्रेंड तो नाट्य ग्रंथ। कालिदास द्वारा रचित मेघदूत में वर्णन है फ्रेंड्स वियोग श्रृंगार का। हर्षवर्धन एवं वातापी के चालुक्य के वंशीय शासक पुलकेशिन द्वितीय के बीच हुए बुद्ध का निर्वर्णन किस अभिलेख में पाया जाता था? फ्रेंड्स ऐहोल अभिलेख में। किस मुगल शासक के लिए एक भाग्यशाली सैनिक किंतु असफल साम्राज्य निर्माता कहा गया है? बाबर के लिए। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के जीवन को किस घटना में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है? फ्रेंड घर छोड़ने की इस घटना को। भारतीय इतिहास में कौन सा वंश पितृ हंता वंश के रूप में जाना जाता है? फ्रेंड तो हर एक वंश। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली और ढाई दिन का झोपड़ा मस्जिद अजमेर का निर्माण किसने कराया था? फ्रेंड कुतुबुद्दीन ऐबक ने। भक्ति आंदोलन को अग्रणी नेतृत्व प्रदान करने वाले महाराष्ट्र के चार जो है प्रमुख संतों का उल्लेख कीजिए? फ्रेंड तुकाराम नामदेव ज्ञानेश्वर रामदास। किस पर राज्य ने मत विलास प्रहसन की रचना की थी? फ्रेंड महेंद्र वर्मन ने। नागार्जुन किसके दरबार में वैदांतिक और वैज्ञानिक थे? फ्रेंड कनिष्क के दरबार में। महमूद गजनवी ने किस राजकवि के ने शाहनवा लिखा है? फ्रेंड तो फिरदौसी ने। हंटर कमीशन के गठन के समय भारत का वायसराय कौन था? फ्रेंड लॉर्ड रिपन। प्राचीन भारत में किस शब्द का प्रयोग ऐसी विधवा के लिए किया जाता है जिसका पुनः विवाह हो जाता है था? तो मूत्रभू। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राचीन भारत में विद्वान ब्राह्मणों को दान में दिए जाने वाले करमुक्त ग्रामों को कहा जाता है? फ्रेंड्स अग्रहार। ब्रज वज्र यान बौद्ध धर्म में बुद्ध बोधिसत्व की संगिनी को क्या कहा जाता है? तारा। कुमार संभवम में किसके जन्म की कथा वर्णित है? फ्रेंड्स कार्तिकीय की। सती प्रथा का अभिलेखीय साक्ष्य कहाँ से एक मिलता है? फ्रेंड्स कहाँ से मिलता है? 510 ईस्वी के भानुगुप्त के एरण अभिलेख से। तो फ्रेंड्स ये सारे क्वेश्चंस आपको पीडीएफ आपको रूप में मिल जाएंगे और फ्रेंड्स 2-3 पेज बचे हुए थे उसका मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट किसी वीडियो में। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगे यार वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसी टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं CHSL में तो आपको इस वीडियो में क्वेश्चंस किस प्रकार के मिले फ्रेंड्स इजी मिले हैं, कुछ कुछ इजी मिले हैं, कुछ कुछ मॉडरेट मिले, कुछ कुछ बहुत ज़्यादा टफ मिले हैं। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको मैं बना के देता हूँ जो कि CHSL के लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो यार शेयर करते रहो यार, जितना हो सके शेयर करो यार, ट्रेंड कर दो भाई प्लीज़, एक वीडियो यार ट्रेंड कर दो, इतना मेहनत करता हूँ आपके लिए। तो थैंक यू यार, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।